हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता के बारे में। सबसे पहले हम यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसका कंटेंट कवर करेंगे, उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग के गोल की, टीचिंग के एम की। टीचिंग का मेन एम, मेन टारगेट, मेन मोटिव जो है वो है स्टूडेंट्स में सोशली डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंज लेके आने का। और वो कब होगा? जब टीचिंग इफेक्टिव होगी और बेस्ड होगी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, टीचिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज जिसका मेन एम, मेन उद्देश्य स्टूडेंट्स को कुछ सिखाने में हेल्प करना है। और अकॉर्डिंग टू मॉरिसन, टीचिंग इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ लेस एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट एंड हेल्प देम टू डेवलप अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड आइडिया ऑफ सोसाइटी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग की। टीचिंग इज डायनेमिक, सोशल एंड ह्यूमन। टीचिंग कोई फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है। टीचिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, इन्फ्लुएंस होती है सोसाइटी से और ह्यूमन फैक्टर से, जो अपने आप में डायनेमिक फैक्टर्स हैं। टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी। हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो बहुत बार गिरता है, संभलता है, फिर गिरता है और अल्टीमेटली वो चलना सीख जाता है। तो आप कह सकते हो टीचिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम वो सारी चीज़ें सिखाते हैं जो बच्चा खुद सीख रहा था। अगर बच्चा खुद सीख रहा था तो ये एक पीड़ादायक प्रोसीजर है, परंतु अगर एक स्टूडेंट को हम ऐसे सिखा रहे हैं कि वो आसानी से चीज़ें सीख पा रहा है, तो ये डिपेंड करेगा उस टीचर की, टीचिंग की कला पर कि वो कैसे एक बच्चे को, एक स्टूडेंट को कम से कम एफर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पा रहा है। और टीचिंग में बहुत सारे स्किल्स, प्रोसीजर, टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, तो ये टीचिंग को अपने आप में साइंस बनाता है। टीचिंग का जो फील्ड है वो बहुत डाइवर्स है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत वास्ट हैं। जैसे कि टीचिंग फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, ट्रेनिंग, कंडीशंस, टॉकिंग, रेमेडी, बहुत बड़ा फील्ड है टीचिंग का। अगर हम टीचिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टीचिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स में, पीपल में स्किल्स को डेवलप करना। फिर आती है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ। बिलीफ का सारा खेल है इस पूरे दुनिया में, जो कुछ भी गोइंग ऑन है वो सब बिलीफ पे डिपेंड करता है। अगर एक स्टूडेंट सोचता है कि वो कर सकता है और उसे करना चाहिए तो यकीनन वो कर जाएगा। टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही पॉजिटिव बिलीफ एक स्टूडेंट में, एक लर्नर में पैदा करना है। प्रोवाइडिंग द नॉलेज, डेफिनेटली ये तो टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है ही। इसके अलावा टीचिंग का एक उद्देश्य है वेल मैनर्ड एंड एफिशिएंट कैंडिडेट देना सोसाइटी को। इसके अलावा स्टूडेंट में जो रिक्वायर्ड चेंजेस होने चाहिए, जो उसको एक परफेक्ट सोसाइटी मेंबर बनाता है, जो कि उसको जॉब में हेल्प करता है, वो सारे रिक्वायरमेंट, वो सारे चेंजेस उस जो कि उसमें होने चाहिए ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, वो सब टीचिंग प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा टीचिंग स्टूडेंट्स के बिहेवियर को शार्प करता है, एक शेप में लेके आता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, फीचर्स की बात करें एजुकेशन के, टीचिंग के, तो टीचिंग का सबसे पहला करैक्टर है ये
बच्चों को गाइडेंस देता है, ट्रेनिंग देता है। टीचिंग एक टू वे इंटरेक्शन पार्ट है, बच्चों की तरफ से भी और स्टूडेंट्स की और टीचर की तरफ से भी। टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग एक साइंस है, और टीचिंग इज कॉन्टिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसीजर है। एक टीचर इफ़ेक्टिवली टीच कर पाता है अगर उसे अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, कॉन्फिडेंस है। टीचिंग इनकोग्रेस करता है स्टूडेंट्स को नई नई चीज़ें सीखने में। टीचिंग फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी है। टीचिंग हेल्प करता है बच्चों को सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए। अब हम बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं कि टीचिंग अच्छे से हो पाए। तो तीन बेसिक चीज़ें हैं जिनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, वो है टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर ये तीनों चीज़ें सही हैं, कोऑर्डिनेशन में हैं, तो टीचिंग बेस्ट वे से होगी। प्रोफेशनलिज्म इज आल्सो मस्ट ड्यूरिंग द टीचिंग। सुटेबल इन्वायरमेंट, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सराउंडिंग्स भी टीचिंग को बहुत डिपेंड करती है। टीचिंग में स्टूडेंट और टीचर का क्या रिलेशन है, इस पर भी टीचिंग बहुत डिपेंड करती है। डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, अगर एक टीचर हम्बल है, पोलाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनडिसिप्लिन्ड हो जाओगे। एजुकेशन आप तभी गेन कर पाएंगे जब आप डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट होंगे। तो टीचिंग का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। और सबसे बड़ी चीज़ डेडिकेशन, डिवोशन टीचर और स्टूडेंट दोनों की। टीचर कितने अच्छे से डेडिकेटेड होके पढ़ा रहा है और स्टूडेंट कितने अच्छे से चीज़ें सीख रहे हैं, इसी से हमारी जो टीचिंग है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब बात करते हैं एक अच्छे लर्नर के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो एक अच्छा लर्नर होता है, अच्छा स्टूडेंट होता है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वो सीखने में इंटरेस्ट रखता है, उसे क्यूरोसिटी होती है नई नई चीज़ें सीखने में। वो हमेशा प्रैक्टिस करता है जो उसने पहले सीखा है, जो सीख रहा है, बार बार उस चीज़ की वो प्रैक्टिस करता रहता है। और इन जो चीज़ सीख रहा होता है उस पे का उस स्टूडेंट के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। इसके अलावा उसकी जो हैबिट है, एटीट्यूड है, वो बहुत पॉजिटिव होता है। उसमें एंगर और जेलसी फील वो जनरली नहीं करता है। वो हमेशा सीखता है, वो अपने कॉम्पिटिटर से जेलसी फील नहीं करता है कि उसके मार्क्स ज़्यादा आए हैं या वो उससे अच्छा प्लेयर है। कुछ भी एग्जांपल आप लेके यहाँ पे देख सकते हो, एक अच्छा लर्नर में एंगर और जेलसी एब्सेंस होती है। इसके अलावा चाहे इनिशियली उसका डेवलपमेंट स्लो हो, बट धीरे धीरे उसका जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज होता रहता है। तो अगले लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। खुश रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।